हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको मटन शिनवारी कढ़ाई बनाना सिखा रही हूँ, जो बहुत मज़े की बनी थी। आप सब लोग भी इसको बना के इंजॉय कर सकते हैं। मटन कढ़ाई बनाने के लिए हमने नॉनस्टिक बर्तन नहीं लेना, हमने इस तरह की सिल्वर कढ़ाई लेनी है और इसके अंदर 2-3 कप हमने पानी के डाल देने हैं और 1/2 कप इसके अंदर ऑयल जाएगा। अब इसके अंदर मटन चला जाएगा, मटन गोश्त आप जितना भी लेना चाहें ले सकते हैं। इधर मैंने 1 किलो शामिल किया है। इसके साथ इसके अंदर नमक जाएगा। इसको मिक्स करके कवर करके हमने 40 से 45 मिनट के लिए इसको गलने के लिए छोड़ देना है। इसको हमने प्रेशर कुकर में नहीं गलाना, इसी तरह से इसको पकने देंगे। तब तक हम टमाटर काट लेंगे। इसमें 4 से 5 टमाटर जाएंगे। टमाटर को हमने ज़्यादा चॉप नहीं करना, हमने सिर्फ इसको दरमियान से कट लगाना है। हरी मिर्चें काट लेंगे, 4 से 5 इसके अंदर हरी मिर्चें जाएंगी। इस तरह से अदरक को स्लाइस कर लेंगे। हमने ये गार्निशिंग में यूज़ करना है। पैंतालीस मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन खोल के इसको मिक्स किया। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी रह गया है। इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून भर के अदरक और 1 टेबलस्पून भर के लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। इसको हल्का सा मिक्स करके मैं इसके अंदर 1/2 कप पानी का डालूँगी। अब मैं इधर इस तरह से सारे टमाटर शामिल कर दूँगी जो मैंने काट के रखे थे। इसी के साथ मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें भी डाल देनी है। इसको कवर करके 3-4 मिनट के लिए छोड़ेंगे कि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। जब टमाटर इस तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे तो हमने चम्मच की मदद से इसका ऊपर से छिलका उतार लेना है। छिलका बिल्कुल सॉफ्ट हो गया होगा, हमने इसके ऊपर से ऐसे स्किन इसकी उतार के उसको साइड पे कर देना है और साथ साथ हमने टमाटरों को इस तरह से पीस लेना है ताकि वो बिल्कुल मेल्ट हो जाए। टमाटर हमने इसी तरह से डालना है क्योंकि अगर हम टमाटरों का पेस्ट बना के डाल देंगे तो उस तरह से मज़ा नहीं आएगा, इसलिए हमने टमाटरों को इसी तरह से डालना है। ये खुद कैरमलाइज होंगे और फिर ये सॉफ्ट होंगे, फिर ये बहुत आसानी से इसका पेस्ट बन जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। इस कढ़ाई को बनाने के लिए हमने सिल्वर और लोहे की कढ़ाई लेनी है, नॉन स्टिक नहीं लेनी। नॉन स्टिक में आप उस तरह से उसकी बुनाई नहीं कर सकते गोश्त की, इसलिए मैंने इधर सिल्वर कढ़ाई ली है कि इसको अच्छे से मैं भून सकूं, सही से इसमें बुनाई हो जाएगी। नॉन स्टिक में उस तरह से नहीं होती, इसलिए आपने इसको बनाने के लिए सिल्वर या लोहे की कढ़ाई लेनी है। इधर मैंने सारे टमाटर को अच्छे से पीस लिया, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि जैसे आपने टमाटर का पेस्ट डाला होता है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको अच्छे से भूनेंगे।
आखिर में इसके अंदर एक टेबलस्पून मैंने काली मिर्च डाल दी है। इसके अंदर ज़्यादा मसाले नहीं जाते, सिर्फ काली मिर्च जाएगी, वो भी लास्ट पे जाएगी। इसी के साथ मैंने हरा धनिया और अदरक डाल दिया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और गर्मा गर्म रोटी, चपाती, नान, किसी भी चीज़ के साथ आप सर्व कर सकते हैं। हमारी मज़ेदार सी मटन शिनवारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इसे चिकन में भी बना सकते हैं, मटन में भी बना सकते हैं, बीफ में भी बना सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।